हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम 2022 का मैथ्स का गणित का पेपर करने वाले हैं। कैसा आपका पेपर जो है पिछले साल आया था उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। तो आपको पता होता है कि आपका जो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जनों में होता है। 3 घंटे का 15 मिनट का समय मिलता है, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। पूर्णांक 70 का होता है आपका पेपर। तो आपको ये जांचना है कि आप इस पेपर से कितना पा रहे हो, कितने किस लेवल का आपका पेपर जो है तैयार हो चुका है। इस पेपर से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसे सवाल जो है आपके पेपर में बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए और आपने देखिए कि आपको कितना आता है। तो चलिए, तो इस तरह से आपको मिला है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत है। जो 15 मिनट मिलते हैं वो आपको इसी के लिए मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। तो इसमें बोला गया, यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित हो तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर और फिर काट दीजिए, काट का निशान लगाइए, उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। रचना के प्रश्नों को हल में रचना रेखाएं ना मिटाइए, यदि पूछा जाए तो रचना के पद संक्षेप में आवश्यक रहिए। जिन प्रश्नों को हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ शुद्ध अपने चित्र बनाए, चित्र के संपूर्ण हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। तो ये आप अंग्रेजी में, तो आज का जो पहला आपका खंड है तो आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है, खंड क्या है, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, सही विकल्प छोड़कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अगर आपको इसका जो है पूरा पेपर का चाहिए तो आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वहाँ पर सारी डाउट आपके क्लियर किए जाते हैं। तो ये बोला गया, समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। तो इसमें आपको मूलों का योग बताना था। मूलों का योग क्या होता है, -b/3/5 हो जाएगा। कौन सा, -3/5 प्लस का होगा आपका 3/5, -- क्या हो जाएगा, प्लस के। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट नंबर का सही था। इसी प्रकार जितने भी आपके हैं इस तरह से आपको बताने थे, ठीक है ना। खा नंबर का ये सवाल आपका था, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह का आपका पैटर्न आया, ठीक है। सवाल बाद में हम डिस्कशन भी करेंगे, हम जिसके ऊपर पूरा वीडियो लेके आएंगे। इसके अलावा टर्नओवर का मतलब होता है आगे हो रहा है। इस तरह से आपको ये गा वाला सवाल क्या बोला गया, समीकरण x - y = 2 और x + y = 2 का हल होगा, ये आपको हल करना है। इसी प्रकार ये वाला सवाल 1 से 9 तक की माध्य प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आपको बताना है। यदि किसी 12 बटा 20 20.5 का मध्य का 20 है तो उसका भूलक होगा। ये सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। 2000 का पेपर जो है इसी बेस पर आएगा। सवालों की जो नंबरिंग है वो सिर्फ आपकी इधर उधर हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी सब आपका सेम टू सेम रहने वाला है, जैसा कि आप लोग जानते हो, ठीक है ना। ये देखो सवाल बढ़िया था, ठीक था। किसी 12 बटा 20 का मत दिए था, मध्यिका इतनी थी, उसका भूलक होगा। चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC = 1:3 हो तो ए पिछला PV का अनुपात होगा। इस तरह से आपको चित्र मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपसे बताया पूछना था सवाल, तो इस सवाल को आप देख लीजिए और जो है आप क्लियर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे सवाल आपके पेपर में बनते हैं। तो चलिए, इस तरह से ये इंग्लिश वाले हैं। इंग्लिश में अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती तो इंग्लिश में देख लीजिए, ठीक है ना। तो हम सिर्फ हिंदी हिंदी के वाले की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जो हिंदी मीडियम के हैं। इसी प्रकार 2 सभी खंड करने हैं। इस तरह से इसमें सारा सवाल नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। ये सवाल आपका पहला था, तो इसमें सभी नोट कर लीजिए। ये सवाल आपके पूछे गए थे, 7 है तो माध्य 15 हो तो x मान कर कीजिए। यदि मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। आपको इसमें सूर्य का उन्नयन कोण बताना था। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करा देता हूँ कि यार टाइम ना लगे और पूरा आपको कवर हो जाए, ठीक है। इस तरह से आपके पेपर बनते हैं, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप लोग, खाली सवालों को देख लीजिए। ये क्या होता है, पेपर कोड होता है BA 822। इस तरह से आप लोग देखो, ठीक है ना। एक एक नंबर के सवाल हैं। उसके बाद आपके 2-2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 2-2 नंबर के सवाल यहाँ से शुरू। खंड 3 है, सभी खंड कीजिए। 3 में सभी खंड करने हैं। ये आपका मेंसुरेशन का क्षेत्रमिति का सवाल है। सवाल ज़्यादा कठिन नहीं आते, सिंपल से आते हैं, देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगर पेपर चाहिए तो आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपका खा नंबर का सवाल है, माध्यिका ज्ञात करनी थी। इसमें आपको
काल इसमें मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना था। दो संख्याओं का युगफल है बड़ी संख्या रूट संख्या के चार गुने से पांच के, तो संख्या ज्ञात कीजिए इस तरह से आपको बताना था। आप चार खंड आ गया, कुल कितने खंड से आपके सात सात प्रश्न थे, ठीक है ना। इसमें इस तरह से आपको सवाल करने थे, देख पा रहे हो, ठीक है ना। ये शंकु का क्षेत्रमिति का ये, ठीक है। अब हम पांचवें प्रश्न में चलेंगे, तो पांचवें भी आपको सभी खंड करने हैं। सिद्ध कीजिए कि ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, इसको आप लोग भूल नहीं सकते। सिद्ध कीजिए 2+√3, ठीक है ना, अपन में संख्या आई है वाला। ये सवालों को आप नकार नहीं सकते, बढ़िया बढ़िया सवाल हैं आपके पेपर में बनते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला छठा नंबर का सवाल, ये देखो चार नंबर में पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना। इसी तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ये देखो बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। देख लिया आगे आपके दो सवाल आते ट्रिग्नोमेट्री से, ये बात आप भी जानते हो। दूसरा ये बड़ा चार नंबर में एक नंबर में आता, ठीक है। ये आपका खंड सात है, खंड इसमें भी करने हैं, ठीक है ना। ये वाला सवाल है आपका, ये छः नंबर में आता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये छः नंबर में पूरे सवाल आता है आपका, एक ना एक जरूर आएगा। अथवा में अगर ये कर दीजिए, ठीक है ना, वो ना कर पाओ तो ये कर लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से आपके खंड में छः छः नंबर दो सवाल पूछे जाते हैं, तो ये कर लीजिए, आपको वो ना आता इस खंड में से कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए ये सवाल कर लीजिए, दो सवाल आते हैं छः छः नंबर के, छः नंबर ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये कर लीजिए ना आपका, बस इस तरह से आपका जो पेपर पूरा हो जाता है। तो अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हमने सिर्फ बता दिया कि किस तरह का आपका पेपर जो है पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो थैंक यू साथ, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू। पेपर का कैसा पैटर्न था मैंने आपको बताया, थैंक यू।